अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर एफबीआई के छापे के बाद भूचाल आ गया है। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की छापेमारी को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान एफबीआई ने ट्रंप के घर से भारी मात्रा में दस्तावेज बरामद किए थे। ये दस्तावेज क्या थे इसके बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन अब इस छापेमारी को लेकर कहा जा रहा है कि एफबीआई ने पूर्व राष्ट्रपति के घर से न्यूक्लियर दस्तावेजों समेत अन्य सामानों की तलाशी के लिए छापेमारी की थी। बताया जा रहा है कि एफबीआई ने ये छापेमारी जानबूझकर ऐसे वक्त पर की जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने घर पर नहीं थे। अधिकारियों का मानना था कि अगर ट्रंप वहां मौजूद होते तो वो कार्रवाई को प्रभावित कर सकते थे। इतना ही नहीं, ट्रंप रेड का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर सकते थे। दरअसल नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने 2022 में व्हाइट हाउस के रिकॉर्ड के 15 बक्से बरामद किए थे। ये बॉक्स मार-ए-लागो को भेजे गए थे। उस समय नारा ने कहा था कि नियमों के मुताबिक ट्रंप के व्हाइट हाउस छोड़ने पर दस्तावेजों से भरे ये बॉक्स नेशनल आर्काइव्स भेजे जाने थे। और अब ऐसे में अमेरिका का न्याय मंत्रालय इस बात की तफ्तीश कर रहा है कि क्या ट्रंप ने 2020 में व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद अपने फ्लोरिडा स्थित आवास पर गोपनीय रिकॉर्ड छिपाए थे। वही ट्रंप ने अपने आवास में हुई छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के किसी राष्ट्रपति के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मैंने हमेशा सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग किया था, उसके बावजूद छापेमारी की गई। ये उचित नहीं है। ये कार्रवाई न्याय प्रणाली का गलत इस्तेमाल है। मार-ए-लागो में एफबीआई आखिरकार क्या खोजने गई थी? अभी भी इस बात पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल एफबीआई की जांच जारी है और बहुत जल्द इस बात का भी खुलासा हो जाएगा क्या वाकई ट्रंप ने दस्तावेजों की हेर फेर की है या उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है।